जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता है, क्योंकि बिना कांग्रेस के अगर दिल्ली में चुनाव लड़ा जाए और सभी सीटों पे अरविंद केजरीवाल लड़े तो क्या आपको लगता है कि सात में से सातों सीटें जीत जाएंगे? क्योंकि आना सभी को है, तो कोई चार्टर प्लेन लेकर के आएगा, कोई हवाई जहाज से आएगा, तो कोई अपनी गाड़ी से आ जाएगा। क्या करेगा, कौन क्या करेगा, ये सारी बातें अलग है। बैठक का एजेंडा नीतीश कुमार ने जो तय किया है उस एजेंडे पर सबकी सहमति नहीं बनेगी। सबकी सहमति अगर कहते हैं तो ये भी थोड़ा सा ज्यादती होगा, क्योंकि किसी की सहमति नहीं बनेगी सिर्फ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के अलावा। साथ हमने बता दिया आपको कि ममता बनर्जी का कांग्रेस पर दबाव है कि वो या तो वाम दलों के साथ रहे या फिर हमारे साथ रहे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह से ही हम कई तरह की खबरें आपके सामने रख दिए और इन खबरों में सबसे बड़ी बात यह है कि सारी खबरों का लबोलुआब या कहा जाए तो दिशा 23 तारीख को होने वाली बैठक की है। गैर भाजपाई दलों का बैठक 23 तारीख को है। आज से ही आना जाने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कौन कैसे आएगा ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आना सभी को है, तो कोई चार्टर प्लेन लेकर के आएगा, कोई हवाई जहाज से आएगा, तो कोई अपनी गाड़ी से आ जाएगा। क्या करेगा, कौन क्या करेगा, ये सारी बातें अलग है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इस बैठक में क्या होने वाला है। हमने आपको याद होगा कि शुरुआत में ही बताया था कि इस बैठक का एजेंडा नीतीश कुमार ने जो तय किया है उस एजेंडे पर सबकी सहमति नहीं बनेगी। सबकी सहमति अगर कहते हैं तो ये भी थोड़ा सा ज्यादती होगा, क्योंकि किसी की सहमति नहीं बनेगी सिर्फ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के अलावा, क्योंकि ये सहमति सिर्फ बिहार में चल सकती है और बिहार में भी इसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी अलग हो गए। जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि ये एजेंडा है, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। अब जबकि कल बैठक है, आज आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो ये चर्चा भी आम हो गई है कि आखिर इस बैठक में होगा क्या। तो सबसे पहले वो एजेंडा आप जान लीजिए जिस पर बैठक होनी थी, लेकिन कांग्रेस ने उस पर सहमति जाहिर नहीं किया है। हमने कल ही आपको बता दिया था और आज कांग्रेस के तरफ से स्पष्टीकरण भी आ गया कि एक के बदले एक, यानी एक बनाम एक वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा घाटा अगर किसी को हो रहा था इससे तो वो कांग्रेस थी। आपको याद होगा कल पंचनामा के दौरान संपादक नमन मिश्रा जी के साथ जब मैं बैठा हुआ था तो ये विषय हमने बड़ी मजबूती के साथ रखा था और भारत लाइव पर भी लगातार हम इस बात को रख रहे थे। पंचनामा में भी हमने आपको डिटेल में बताया था कि एक तरफ जहां कांग्रेस कई राज्यों में जो दल आ रहे हैं, गैर भाजपाई दल मौजूद हो रहे हैं, उनके विरुद्ध चुनाव लड़ती है, तो कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा एक के बदले एक की बात, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो प्रस्ताव रख दिया है वो प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी को कभी स्वीकार नहीं होगा। और वहीं माफ कीजिएगा, जो प्रस्ताव रखा है उससे भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता है, क्योंकि बिना कांग्रेस के अगर दिल्ली में चुनाव लड़ा जाए और सभी सीटों पर अरविंद केजरीवाल लड़े तो क्या आपको लगता है कि सात में से सातों सीटें जीत जाएंगे? पिछली बार आपने देखा कि दोनों ही चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने दोनों फुस हो गए। अब जबकि ये सारा मामला एक जगह आ रहा है तो इसे नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है। कई दलों ने ये कहा है कि एजेंडा को छोड़िए, गोली मारिए, अभी सबसे पहले ये दिखाने का कोशिश किया जाए और देश की जनता को ये बताया जाए कि हम लोग एक साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि संविधान खतरे में है, वगैरह 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 वगैरह। मुख्य मुद्दे क्या हैं वो अभी तक किसी को पता नहीं है और बार बार विपक्षी एकजुटता कहीं ना कहीं दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें जो हमारे पास सूचनाएं आई हैं, उन सूचनाओं में सबसे बड़ी बात है कि कल होने वाली जो बैठक है उस बैठक से ठीक पहले कई बातें खुल करके सामने आ गई हैं। ममता बनर्जी की बात हमने बता दिया आपको कि ममता बनर्जी का कांग्रेस पर दबाव है कि वो या तो वाम दलों के साथ रहे या फिर हमारे साथ रहे।
क्या करना है पंचायत चुनाव में, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। तो इन सारी बातों को लेकर के कांग्रेस नेताओं के अनुसार जो 1x1 का फॉर्मूला है उसको तत्काल ठंडे बस्ते में डाल दीजिए और चुनाव की तैयारी से पहले, चुनाव आने से पहले जो 9 महीने बचे हुए हैं, 8 महीने बचे हुए हैं, इन 8 महीनों में ये दिशा दिखाने की कोशिश की जाए बिना किसी हिल हुजत के कि हम एकजुट हैं, एक साथ हैं। अगर ऐसा करने में सफल हो गए और ये बताने में सफल हो गए, ये फॉर्मूला अगर छोड़ दिया जाए तो ये बताने में सफल हो गए कि किसी भी परिस्थिति में हम साथ हैं, शुरुआती झमेले से दूर रहा जाए, तो निश्चित रूप से देश की जनता पर एक अलग तरह का छाप छोड़ा जा सकता है जिससे जनता भी हमारी तरफ आ सकती है। अब आप समझ गए होंगे कि इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि इन सारी बातों के साथ साथ हम सभी मिलकर के अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्य में भारतीय जनता पार्टी का जो छवि है उसको दिखाएं, सांप्रदायिक शक्ति है ये बताया जाए, तो वहीं ध्रुवीकरण की बात करती है ये बताया जाए, तो संघीय व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है ये बताया जाए, संविधान और लोकतंत्र खतरे में है ये बताया जाए, लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को हैक कर लिया गया है ये बताया जाए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी जो संस्थाएं हैं उससे दबाव डलवाया जा रहा है ये बताया जाए, यानी कि जो मुख्य मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे हर जो पार्टी है उसकी अपनी समस्या है। भले ही 20 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी का वादा बिहार सरकार करती हो, लेकिन उसका ध्यान हमेशा 2 करोड़ रोजगार पर रहता है। सब में कहीं ना कहीं छेद है और इस छेद को लेकर के आगे बढ़ने की सारी तैयारी हो रही है। और इसके साथ साथ कहा यह जा रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, ये सारी समस्याएं हैं। हालांकि पलायन वाला क्षेत्रीय मुद्दा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने वो पूरा नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना जरूरी है और हम एक साथ हैं, चुनाव के बाद हम अपने प्रधानमंत्री का चेहरा तय कर लेंगे। ऐसी स्थिति में अब आप पर निर्भर करता है कि आप इन सारी चीज़ों पर कितना भरोसा और विश्वास करते हैं। हालांकि बिहार का ऐसा ऑरा रहा है कि बिहार ने हमेशा एक नई दिशा दी है, एक नई तैयारी की है और नया विकल्प पैदा किया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है, आज से कल तक लगातार हमारी कमेंट्री जारी रहेगी क्योंकि बिहार ने कहीं ना कहीं बुझी हुई राख में से चिंगारी पैदा कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।